तो हे गाइस, फाइनली आ चुके को नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की वीडियो काफी डिफरेंट होने वाली है। अब आप देख के समझ गए होंगे आज की वीडियो है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। जनरली मैं उन लोगों को बता देता हूँ जो इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। तो मेरी जो वीडियोस होती हैं वो पर्टिकुलर एक सेटअप के ऊपर होती हैं। मैं सेटअप पे जाके वीडियो बनाता हूँ, वहीं बैठ के सब कुछ आपको समझाता हूँ। बट वहाँ बैठ के मैं पक चुका था, मैंने सोचा क्यों ना नई वीडियो कुछ डिफरेंट तरीके की बनाई जाए। तो आज की जो वीडियो होने वाली है एक ब्लॉग वीडियो होने वाली है, और आज की जो वीडियो होने वाली है एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी होने वाली है। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है आपका जो माउस है रेडगियर A15 गेमिंग माउस, जो कि काफी अच्छा माउस है, काफी बजट में माउस आता है। तो आप सभी को पता होगा कि इस माउस के साथ आपको एक सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाता है। तो लोग इस माउस के सॉफ्टवेयर को तो डाउनलोड कर लेते हैं, उसे प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल भी कर लेते हैं, बट जैसे वो उसे ओपन करते हैं वो सॉफ्टवेयर ओपन ही नहीं होता है, उनके सामने कुछ एरर आ जाता है। जैसे कि प्रोडक्ट आईडी एरर उनके सामने आ जाता है, नो अचीवर फाउंड कुछ इस तरीके का एरर उनके सामने आ जाता है। और इस माउस के सॉफ्टवेयर के अंदर वो भी काफी सारी प्रॉब्लम लोगों को आ रही है, जैसे कि उनका माउस इन्वर्टेड हो जा रहा है, ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है इस माउस के सॉफ्टवेयर के अंदर। सर, आज की इस वीडियो में इसी कारण बात करने वाले हैं, ये जितनी भी प्रॉब्लम आपको आ रही है आप इन्हें कैसे ठीक कर सकते हो। अगर आपको भी कुछ इसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख के जाना, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट यार होने वाली है। तो इस वीडियो में आपको जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ ये बिल्कुल भी मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड नहीं करने वाला हूँ, इसका जो सॉल्यूशन है वो खुद आपको रेडगियर देगा। आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा आप इसका सॉल्यूशन क्या है। तो अगर आपको भी प्रॉब्लम आ रही है कुछ इसी तरीके की तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देख के जाना। तो मेरा नाम है लवली और आप देख रहे हो स्क्रैच टेक। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे ऐसी पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में बात करी जाती है। अगर आपका भी इंटरेस्ट है ऐसी पीसी रिलेटेड कंटेंट के अंदर, यार क्या कर रहे हो, मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी कभी यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल पे अनबॉक्सिंग, रिव्यू, बेंचमार्क और बजट पीसी बिल्ड करते रहते हैं। अगर आपका भी इंटरेस्ट है ना इन्हीं सब चीजों में तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो चैनल को मत सब्सक्राइब करना, इंटरेस्ट है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाना। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगती है तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो के तरफ। तो गाइस, फाइनली अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप रेडगियर A15 गेमिंग माउस की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। तो जिस तरह मैं कर रहा हूँ आपको भी इसी तरह करना है, फिर आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। हालांकि इसके अंदर थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला है। अब टाइम कहाँ पे लगने वाला है, आप जैसे वीडियो देखते चले जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा टाइम कहाँ पे लगने वाला है। तो सिंपली सबसे पहले आपको अपने पीसी के अंदर कोई भी ब्राउजर को कर लेना है ओपन। तो यहाँ पर मैं ब्रेव ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ, आप एक कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद सिंपली अब आपको यहाँ पर टाइप करना है रेडगियर A15 माउस सॉफ्टवेयर। टाइप करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके की वेबसाइट आ रही होंगी, तो सिंपली आपको सबसे पहली वाली वेबसाइट पे आ जाना है जहां पे लिखा होगा ड्राइवर्स रेडबोर्ड इंटरेक्टिव। तो इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो सिंपली आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। आने के बाद आपको कुछ इस तरीके की वेबसाइट मिलेगी। तो ये जो वेबसाइट है ऑफिशियल रेडगियर की वेबसाइट है, तो उनकी वेबसाइट का जो नाम है वो रेडबोर्ड इंटरेक्टिव है। तो कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, आप यहाँ पर देख सकते हो जितने भी प्रोडक्ट हैं ये सभी रेडगियर के प्रोडक्ट हैं, और आप उन प्रोडक्ट के यहाँ से ड्राइवर्स को कर सकते हो डाउनलोड। हमारा मेन काम है कि कैसे हम अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करें उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये वेबसाइट का इंट्रोडक्शन था जो कि मैंने आपको दे दिया है, जिससे कि आपको भरोसा हो जाए कि हाँ ये रेडगियर की वेबसाइट है। ठीक है, काफी सारे लोगों को भरोसा नहीं होता है, ठीक है, कहते हैं कि यार फेक वेबसाइट पे ले गया, ऐसा कुछ नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, सिंपली आपको जाना है होम बटन पर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आ रहा होगा, तो सिंपली आपको सबसे नीचे इस वेबसाइट के आ जाना है। आने के बाद आपको लेफ्ट कॉर्नर में लिखा होगा कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन लिंक, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आ रहा होगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में दिख रहा होगा रजिस्टर अ कंप्लेंट, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म खुल के आ चुका है। तो गाइस, ये जो फॉर्म है ये कंप्लेंट फॉर्म है, हमें इस माउस की यहाँ पर कंप्लेंट करनी है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था आपका जो सोल्यूशन है ये बिल्कुल टाइम पे नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सा समय लगने वाला है। तो समय यहीं पर लगेगा, जब तक आपके वो कंप्लेंट चेक नहीं करेंगे आपको कोई सोल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे वो आपकी कंप्लेंट चेक कर लेंगे आपको वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे ईमेल के थ्रू। अब इस आपको फॉर्म को किस तरह फिल करना है जिससे कि आपकी जो कंप्लेन है वो रेडगियर के पास चली जाए और आपको वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं अब इस फॉर्म को किस तरह फिल कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपना फुल नेम यहाँ पे लिखना है, तो आपका जो नाम है आपको वही लिखना है, मेरा नाम नहीं लिखना है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है लवली, तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। तो नाम लिखने के बाद सिंपली आपको जाना है ईमेल आईडी पे, तो आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है। तो आपको यहाँ पे जो ईमेल आईडी लिखनी है वो बिल्कुल करेक्ट लिखनी है, क्योंकि आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो ईमेल आईडी पे देखने को
मिलने वाला है। तो आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे लिख देनी है। अगेन मेरी ईमेल आईडी मत लिख देना क्योंकि फिर वो सॉल्यूशन मेरी ईमेल आईडी पे आने वाला है। अपनी ही ईमेल आईडी लिखना, अपना ही नाम लिखना, ठीक है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिख देना है, क्योंकि अगर आपसे वो कॉन्टैक्ट करना चाहें तो मोबाइल के थ्रू कर लें, ठीक है। आपसे पूछ सके आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। फिर आपको प्रोडक्ट पर जाना है। अब आपको यहाँ पर अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। इन समय आपको देखना है कि आपका माउस कहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर ढूंढना है कि आपका माउस कहाँ पर है। थोड़ा सा इसके अंदर समय लगने वाला है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, तो उनके अंदर आपको अपना माउस ढूंढना होगा। तो फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट है वो मिल चुका है, रेडगियर E15 गेमिंग माउस। सिंपली इसे ढूंढने के बाद आपको जाना है प्रोडक्ट प्रोग्राम पे, तो सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको माउस ओनली पे क्लिक कर देना है, क्योंकि आपका जो माउस है सिर्फ माउस ही है, उसके साथ और कोई प्रोडक्ट नहीं है। फिर इसे करने के बाद आपको जाना है प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में। अब आपको प्रॉब्लम आ क्या रही है इस माउस के साथ, इस माउस के सॉफ्टवेयर के साथ आपको यहाँ पे लिख देनी है। तो काफ़ी ज़्यादा भाई लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, उनका जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन ही नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट आईडी एरर उनके सामने आ रहा है, तो मैं यहां पर वो लिख देता हूं। तो ये लिखने के बाद जो भी आपका प्रॉब्लम आ रही है ना, लिख देना। काफ़ी बड़ा पैराग्राफ भी आप लिख सकते हो, अगर शॉर्ट में बताना चाहो तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो। मैंने शॉर्ट में बता दिया कि प्रोडक्ट आईडी एरर आ रहा है, और मैं यहां पर लिख देता हूं सॉफ्टवेयर नॉट वर्किंग। आपको भी कुछ इसी तरह लिख देना है, ठीक है। लिखने के बाद आपको जाना है परचेस प्लेटफॉर्म पे, आपने कहाँ से खरीदा है, ठीक है। तो सिंपली आपको इस पर सेलेक्ट करना है, आपने जहाँ से खरीदा है, जैसे कि अमेजोन से खरीदा है तो अमेजोन पे सेलेक्ट कर देना, फ्लिपकार्ट से खरीदा है तो फ्लिपकार्ट पे सेलेक्ट कर देना, या फिर आपको ऑफलाइन मार्केट से जाकर खरीदा है किसी लोकल शॉप से, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये अमेजोन से खरीदा है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको एक चॉइस फाइल कह रहा है, अब आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से फाइल जोड़ सकते। बाद आपको जाना है परचेज डेट पे, अब आपने ये माउस कब परचेज किया था, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट कर लेना आप जब भी आपने माउस परचेज किया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक तारीख रख देता हूँ, मैंने एक तारीख को परचेज करा था। फॉर एग्जाम्पल आपने जब परचेज करा था ना, उसी डेट को आपको लिखना है, ठीक है, गलत डेट मत लिखना। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये बता दिया है। फिर आपको ये शिपिंग एंड पिकअप एड्रेस बता रहा है, आपको ये कहाँ पे पिकअप हुआ था, आपने शिपिंग एड्रेस क्या डाला था, आप वो लिख देना, ठीक है। आपने जो भी डाला होगा ना अपने एड्रेस पे वो लिख देना है यहाँ पे। फिर आपको अपने यहाँ पे लैंडमार्क लिख देना है, ये भी आपको ये पता होगा। आपको यहाँ पे अपना स्टेट लिख देना है, फॉर एग्जाम्पल मेरा उत्तर प्रदेश है, तो मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ, उत्तर प्रदेश यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। आपको जो स्टेट है वही आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सिटी सेलेक्ट करनी है तो सिंपली आपकी जो सिटी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गाजियाबाद कर देता हूँ, ठीक है, जो भी आपकी सिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर देनी है। फिर आपको अपना पिन कोड लिख देना है, तो मेरा पिन कोड है 20 कुछ ऐसे ही है, मेरा पिन कोड भी आपको अपना ही पिन कोड लिखना है, मेरा पिन कोड मत लिख देना, 2010 कुछ ऐसा ही पिन कोड है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। फिर ये सब कुछ फिल करने के बाद, ठीक है, इसे फिल होने के बाद सिंपली आई एग्री विद द टर्म एंड कंडीशन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको ये जो कंफर्म है कि आप रोबोट नहीं, इसने कंफर्म कर लिया, तो सिंपली आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है ध्यान से, ठीक है। फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, तो आपकी जो कंप्लेन है ये सबमिट हो जाएगी और आपकी जो कंप्लेन है वो रेडगियर के पास चली जाएगी। बट ये फॉर्म मैंने प्रॉपर तरीके से फिल नहीं करा, तो इस वजह से मेरे सामने एरर आ चुका है, कह रहा है कि अपना मोबाइल नंबर डालो, अपना एड्रेस डालो, अपना पिन कोड डालो जो कि 6 डिजिट का है। तो अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल देते हो तो आपकी जो प्रॉब्लम है या जो कंप्लेन है, ठीक है, ये सबमिट हो जाएगी रेड के पास। वो देखेंगे आपकी ईमेल आईडी पे, ठीक है, या फिर आपके मोबाइल नंबर पे आपको कॉन्टैक्ट करके इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तो आपकी जो कंप्लेन है लगभग 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस फाइनली अब मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप रेडगियर A15 गेमिंग माउस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। हालांकि इसके अंदर थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला है, पर गारंटीड है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हैं या आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, वहां पे आपको 100% रिप्लाई मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। अगर आपका भी इंटरेस्ट है ऐसी पीसी रिलेटेड कंटेंट के अंदर, तो क्या कर रहे हो, मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी का भी यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे अनबॉक्सिंग, रिव्यू, बेंचमार्क और बजट पीसी बिल्ड करते रहते हैं। अगर आपका भी इंटरेस्ट है ना इन्हीं सब चीजों में, तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे यार मत जाना। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो सब्सक्राइब मत करना, अगर इंटरेस्ट है तो फिर भाई तो चैनल सब्सक्राइब करना बनता है, फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।